तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दिल्ली दर्शन के पांचवे एपिसोड में। और आज के एपिसोड के लिए मैं बिल्कुल सुबह सुबह आ चुका हूँ दिल्ली के बहुत ही पॉश एरिया के एक बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध पार्क में, या कहो गार्डन में। तो वैसे थंबनेल तो देख के आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे मैं कहाँ आया हूँ। आज मैं आया लोधी गार्डन। एंट्री गेट से घुसने के बाद ही जो सबसे पहली चीज आपको जो दिखेगी इस गार्डन में वो है ये मस्जिद। इसके बारे में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पूरा पढ़ सकते हो यहाँ पे, मस्जिद और बाग की चार दीवारी एवं प्रवेश द्वार। और इसी के पीछे एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन है, रोज गार्डन। ठीक, तो अब सबसे पहले जो हम पहुँच गए वो है शाहजहाँ टूम, जो कि हमारे बिल्कुल सामने है। तो ये जो मोहम्मद शाह टूम है या मकबरा है उनका, मोहम्मद शाह का, तो ये बना था 1944 में। और जो मोहम्मद शाह थे वो थे सैयद डायनेस्टी के तीसरे और सेकेंड लास्ट सुल्तान, और जिनके बाद फिर लोधी डायनेस्टी आई थी। और ये रहा मोहम्मद शाह टूम या मोहम्मद शाह का मकबरा अंदर से। और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे बस एक ही कब्र होगी, पर यहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं। बट होपफुली ये जो बीच में सबसे बड़ी कब्र है यही मोहम्मद शाह की है, ये वाली, ये भी थोड़ी टूट फूट गई है। और अंदर से इसका आर्किटेक्चर यार बहुत ही सुंदर है, मतलब इंडो इस्लामिक स्टाइल इसका भी यही है आर्किटेक्चर। और ऊपर एक डोम है जो कि यार बहुत ही सुंदर है। हाँ, मतलब कैमरे में शायद आपको इतना ना दिख रहा हो पर रियल में बहुत सुंदर लग रहा है अंदर से। अंदर से एक तो बहुत बड़ा है और इतना सुंदर लग रहा है। हाँ, ये सोचा था मैंने कि शायद एक ही कब्रों पर, यहाँ पे और भी कब्रें हैं जैसे साइड में आपको मैंने दिखाया था, पर जहाँ तक मुझे आइडिया है थोड़ा बहुत ही बीच वाली ही मोहम्मद शाह की टूम है, बाकी ये जो साइड्स में ग्रेव्स हैं ये कोई और लोगों की होंगी। और ये जो मोहम्मद शाह का टूम है वो ऐसे पिलर से सराउंडेड है, जैसे देख लो आप, ये चारों तरफ है इसके और इससे सराउंडेड है, जैसे रोशनदानी जिसको कहते थे पहले। और इसका भी यार बहुत सुंदर है यार सही में। मैं पहली बार आया हूँ लोधी गार्डन और मैं सच में सरप्राइज हूँ, जैसे रास्ते में भी और भी मुझे दिखे तो आपको आगे और मैं दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला है, आपको व्लॉग में बने रहना। लास्ट में जो मकबरा दिखेगा आपको, लास्ट में जो टूम दिखेगा वो सबसे बेस्ट होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहो। तो इस गार्डन के बारे में और इन्फॉर्मेशन दूँ तो ये जो पूरा गार्डन है, जो पार्क है, इसकी जो मेंटेनेंस का काम है वो है NDMC के हाथ में, यानी कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में। और यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स है वो टोटल चार हैं, जिनकी देख रेख ASI करता है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और सबसे पहली बात तो ये कि ये पार्क बहुत सुंदर है, मतलब मैं पहली बार आया पर यार मज़ा आ गया देख के। सुबह सुबह मैं उठ के फरीदाबाद से आया, वर्थ था, मुझे लगा था यार कहीं कैसे ही होगा, क्या ही करूँगा वहाँ जाके, पर मज़ा आ गया देख के। और इन्फॉर्मेशन दूँ इसके बारे में, तो ये जो पार्क था वो बना था, तो ये गार्डन बना था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी कि अंग्रेज़ी हुकूमत या तो अंग्रेज़ी शासन में। और ये बनाया था लेडी वेलिंगटन ने, ये गार्डन वेलिंगटन द्वारा बनाया गया था। और इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1936 में, और इसका सबसे पहला नाम था वो था लेडी वेलिंगटन पार्क, पर आज़ादी के बाद इसका नाम लोधी गार्डन कर दिया गया। अब वो क्यों कर दिया गया वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये जो लोधी गार्डन है इसकी टाइमिंग बाकी पार्क की तरह ही है, यानी कि सर्दियों में सुबह 6 से 8, सुबह के 6 से शाम के 8 तक, और गर्मियों में सुबह के 5 से रात के 8 तक। तो लोकेशन के बारे में बात करूं तो यहां से जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो दो हैं यहां पे। सबसे पहला खान मार्केट, जो कि वायरल लाइन में पड़ता है जहां से हम लोग आए, वहां से आपको रहेगा 15-20 मिनट आने को, सीधा रास्ता ही है। और जो दूसरा मेट्रो स्टेशन है वो है जोरबाग, जो कि येलो लाइन से पड़ता है, वहाँ से तो आपको मुश्किल से हार्डली 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि जब आप मेट्रो स्टेशन से लीव करोगे जोरबाग के, वहाँ से कुछ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो अब घूमते घूमते हम आ गए अपने दूसरे मॉन्यूमेंट में, जो कि लोधी गार्डन का दूसरा मॉन्यूमेंट है, और वो है बड़ा गुंबद, और वो कुछ ऐसा दिखता है।
और ये रहा बड़ा गुंबद, और अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। अंदर से ये बहुत सुंदर है यार, और बहुत बड़ा है दोस्त। वो अंदर से कुछ ज़्यादा ही बड़ा। रुको, इसका डोम देखो, इसका जो गुंबद है वो देखो। नहीं पता लग रहा भाई, वीडियो में बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा। ये बहुत बड़ा है सही में। और यार इसको देख के एक्साइटमेंट लेवल ऐसी बढ़ सी गई। तो इतनी पुरानी मतलब वो बिल्डिंग लग रही है, ये बिल्कुल जर्जर पड़ी है। शायद इसकी देख रेख इतनी नहीं की गई हो, पर यार ये बड़ी एंटीक सी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है यार। मतलब देखो आप ज़रा इसके दीवारों को देखो, बहुत काली काली पड़ी हुई हैं, कहीं से टूटी भी हुई हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो मुझे सबसे ऊपर इसका जो गुंबद है वो लग रहा है यार, बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। और यार भाई मैं एकदम शॉक्ड हूँ भाई ये देख के। मैं मतलब यहाँ पर आज तक कभी आया नहीं, पता नहीं क्यों यार, इतनी सुंदर जगह है, इसकी जो बनावट है इतनी सुंदर। जैसे ये देखो, ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है जैसे आप देख सकते हो ये, और ये वाइट मार्बल है जो कि अब तो पुराना हो चुका है, जैसे आप पूरा ऊपर तक देख सकते हो, और नीचे खाई है भाई, इसलिए मैं सर आगे नहीं बढ़ रहा। पर यार भाई ये बहुत सुंदर है सच में, बड़ा गुंबद सबसे सुंदर मुझे यही चीज़ लगी अब तक। और ये देखो इसका आर्किटेक्चर, हाँ इधर का नहीं टूटा हुआ, उधर का टूट चुका है। इधर का देखो, इधर पूरा क्लियरली दिख रहा है, बाकी पूरा ऊपर तक है यार ये, और बहुत बड़ा है। और बड़ा गुंबद से निकलने के बाद अगर आपने लेफ्ट साइड देखोगे तो एक मस्जिद है, बहुत पुरानी है ये भी, हाँ। और बीच में यहाँ पे कब्र है, किसकी है ये अननोन है, ये अननोन है कि किसकी कब्र है, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशनड है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कब्र है, ऊपर चलना मना है, सॉरी मैं, कब्र है पूरी, पर किसकी है ये अननोन है, लिखा नहीं है कहीं पे भी। और राइट साइड में भी कुछ मस्जिद जैसे कुछ बिल्डिंग्स ही है, बट हाँ राइट साइड प्रॉपर, लेफ्ट साइड पूरा प्रॉपर मस्जिद है, वहाँ पे शूट चल रहे हैं। हाँ ये जगह अपने मतलब फ़ोटो शूट्स के लिए, प्री वेडिंग शूट्स के लिए बहुत फेमस है। अगर आप कहीं अपना प्री वेडिंग शूट कराना चाहते हो तो यहाँ पे ज़रूर आना, बहुत बढ़िया फ़ोटोज़ क्लिक होती है। बाकी बहुत बढ़िया जगह यार, मस्ट विजिट प्लेस है ये, दिल्ली का मस्ट विजिट प्लेस है। मैं आज तक नहीं आता था, मैं बिल्कुल सुबह सुबह आऊँ भाई 5 बजे उठ के, हाथ जम चुके हैं, हाथ खुल नहीं रहे ना, बंद हो रहे हैं सही से, ट्राईपॉड पकड़ पकड़ के। इतनी ठंड है एक तो, और आज जैसे धूप भी नहीं आई, पर कोई नहीं यार, ठंड में व्लॉग कर रहा हूँ, पर वर्थ है भाई, मज़ा आ रहा है खुद देख के, और आप लोगों को भी देख के मज़ा आ रहा होगा। कमेंट करो अगर अच्छा लग रहा है तो कि कैसी जगह है ये। मस्जिद, बड़ा गुंबद, और उसके साइड में एक और बिल्डिंग है जो कि ये है, और ये भी बड़ी अजीब सी, मतलब अजीब सी क्या यार, बहुत सुंदर लग रही है, मतलब एक अलग ही अट्रैक्शन है। जैसे आप ये देख सकते हो यार, कितनी बढ़िया बनावट है इन सब की, थोड़ा पे है, बट सबसे मस्त मेरे को ये जगह लगी है, चल के देखते थोड़ा सा बाकी। ओहो भाई साहब, यहाँ तो गर्मी है यार। यहाँ तो गर्मी है, जैसे ये देखो, ये यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बनाए हुए सामान रखने के लिए, शायद ये एक रेस्टिंग प्लेस होता होगा उस टाइम पे, जैसे देखो काली पड़ी हुई है यहाँ पे, होपफुली शायद पहले लालटेन या फिर जो मशाल होती थी वो लगाई जाती होगी। और इसी छत देखो यार, जो डोम है ऊपर टूट भी चुका है, और उससे मतलब पुराना हो चुका है बहुत ज़्यादा ये, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये होपफुली रेस्टिंग प्लेस था उस टाइम, जिसको सराय बोलते थे। और ये जो बड़ा गुंबद था ये बनाया था सिकंदर लोधी ने, और बड़ा गुंबद के ठीक सामने है ये शीश गुंबद। गुंबद के बारे में इंफॉर्मेशन इंग्लिश में, हिंदी में। तो ये रहा शीश गुंबद, और अंदर से दिखाता हूँ ये कैसा लगता है। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, इसके अंदर भी कब्रें हैं बहुत सारी, किसकी है या अननोन है, पर जैसे मैंने सुना ये सब सिकंदर लोधी के रिलेटिव्स की हैं, उनकी कब्रें हैं सारी की सारी, जैसे आप सब देख सकते हो बहुत सारी हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 कब्रें हैं, जिसमें सबसे मुझे सुप्रीम एक यही लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक अलग ही बनावट है। और बाकी इसका आर्किटेक्चर भी यार बहुत कमाल का है यार, मतलब सोचो ऐसी बिल्डिंग्स बनती थी पहले, अब नहीं बनती इतनी। और इसके ऊपर भी जो गुंबद है भाई साहब बहुत सुंदर है, पर सबसे जो मुझे सुंदर लगा वो बड़ा गुंबद का ही लगा। और देख सकते हो बाकी बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, टूट फूट चुकी है, वहाँ पे भी लैंप रखते थे जो काला काला पड़ा हुआ है लाइट्स रखने के लिए रात में, ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं। और ये चीज़ पता नहीं क्या है, शायद से कोई सीक्रेट डोर हो सकता है भाई, सीक्रेट डोर हो सकता है,
मैं नहीं जाऊँगा यार, क्योंकि ये डिसरिस्पेक्ट होगी इन सब कपड़ों की कि इस जगह की, कि यार मैं आप फालतू में जा रहा हूँ, छेड़छाड़ कर रहा हूँ। बाकी पता नहीं, हु नोज़, कुछ हो सकता है भाई, क्या पता हो कोई सीक्रेट डोर हो कहीं और खुलता हो। बाकी देख लो यार, ये सब पुरानी चीज़ें, सब लोगों ने तो लिख रखा है यार, गलत बात है ये, इस मॉन्यूमेंट की डिसरिस्पेक्ट है, इन सब ग्रेव्स की डिसरिस्पेक्ट है। बाकी मत लिखा करो यार, आप लोग भी समझदार हो, ये सब मत लिखा करो। आर्किटेक्चर इसका बहुत सुंदर है, वाह। बाकी पूरा का पूरा आर्किटेक्चर इसका ऐसा ही है, जैसे देख लो आप, ग्रेव्स ही ग्रेव्स। मैं पहली बार कब्रों के पास आया हूँ, इतना सही बता रहा हूँ। तो अब लास्ट में घूमते फिरते हम पहुँच ही गए हैं सिकंदर लोधी टूम, यानी कि सिकंदर लोधी का मकबरा, जो कि हाँ ये बाउंड्रीज उसी की ही है। अब इसका फ्रंट गेट सामने से है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से कुछ एंट्री है सिकंदर लोधी टूम की। यार थोड़ी सी आवाज़ आ रही है क्योंकि यहाँ पे घास कट रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, उसमें सॉरी। बाकी इसकी एंट्री यहाँ से है, बाकी आपको चल के दिखाता हूँ मैं। यहाँ ऊपर से कुछ ये ऐसा दिखता है, बाकी इसका मेन गेट जो है वो ये है, ये रहा, और इसके अंदर है सिकंदर लोधी टूम। तो मेरे पीछे जो ये सिकंदर लोधी टूम है, या सिकंदर लोधी का मकबरा है, ये भी काफ़ी हद तक सेम है मोहम्मद शाह के टूम से, यानी कि बहुत ही सिमिलर है उससे, या ये कह सकते हैं कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो इंस्पायर्ड है मोहम्मद शाह के टूम से। बाकी इससे ये बना था 1517 में, 1517 में बना था ये मकबरा, और ये बनाया था इब्राहिम लोधी ने। इब्राहिम लोधी कौन थे? वो थे सिकंदर लोधी के बेटे, जिन्होंने आगे शासन किया था दिल्ली पे। यहाँ सिकंदर लोधी टूम, और यह शायद से गेट्स बंद हैं जी। हाँ, जैसा लग रहा था वैसा ही है, इसके गेट्स को बंद कर दिया गया है चारों तरफ से, हर दिशा से जितने भी गेट थे सबको बंद कर दिया गया है। बाकी ये है उनकी कब्र, सिकंदर लोधी की कब्र, इसके नीचे वो रेस्ट कर रहे हैं। बाकी इसका आर्किटेक्चर जो स्टाइल है वो भी सेम ही है यार, सारे जितने भी यहाँ पे मकबरे हैं उन सब से काफ़ी सिमिलर ही है, सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं, सबके साइड में बहुत सारे गेट्स हैं। बाकी हाँ, इसमें ज़्यादा गेट्स हैं, उसमें कम थे। बाकी अंदर से तो मैं और नहीं देख सकता, पर ये है कि हाँ ये अकेले यहाँ पर सिकंदर लोधी हैं। जैसे यहाँ के जो बाकी जितने भी कब्र थे, बहुत जितने भी मकबरे थे, उन सब में बहुत सारे कब्र थे, मतलब कि एक से ज़्यादा थे किसी। बाकी हाँ, एक चीज़ जो सबसे डिफरेंट है, जो कि इस टूम को, इस मकबरे को सबसे अलग करती है, वो ये है कि इसके बगल बगल में साइड साइड में ऐसे बाउंड्रीज बनाई हुई हैं चारों तरफ से, और ये गार्डन भी बिछा हुआ है यहाँ पे। तो चलो यार, आज के एपिसोड के लिए केवल इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी होगी यार, इतनी मेहनत से बनाई है, 60 डिग्री के टेम्परेचर में, दिल्ली के सर्दियों में सुबह सुबह उठ के आया हूँ, तो यार अच्छी तो लगी होगी आपको। बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो लाइक करना अनिवार्य है मेरे दोस्त, लाइक करके ही जाना। कितना टाइम लगता है यार, 2 सेकंड लगते हैं, लाइक कर दो। बाकी कमेंट भी करो क्या क्या आपको अच्छा लगा, क्या क्या नहीं लगा। सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसे ही दिल्ली दर्शन के और भी एपिसोड्स अपलोड हो चुके हैं, बाकी आगे और भी होंगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। तो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस साइड मृत्युंजय सुनी, ओवर एंड आउट। और एक और जगह, अगर आप लोधी गार्डन आ रहे हो तो यहाँ पे बिल्कुल आना, लोधी गार्डन एकदम लास्ट में, बिल्कुल कहूँ शुरू में, अपना यहाँ पे बतख है बहुत सारे, यहाँ पे एक लेक है छोटी सी, और यहाँ पे बहुत सारे बतख हैं, ये देख लो। तो अगर आपने बच्चों के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आना भाई, बहुत बढ़िया जगह है।